हाय गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आज हमारे डीएस पाठशाला चैनल पर अवेलेबल हैं। पिछले चार पार्ट में हमने हमारा जो लेसन है वो डिड पैट्रिक्स होमवर्क को कंप्लीट किया। आई होप आप लोगों ने उसे अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा। और अब हमारी बारी आई है क्वेश्चन आंसर करने की। देखते हैं कि आप लोगों को कितना याद है और आप इनको अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। What did Patrick think his cat was playing with? Question 1. Patrick ने क्या सोचा कि उसकी जो बिल्ली है उसके साथ खेल रहा था। कहने का मतलब है उसकी बिल्ली के साथ में कौन खेल रहा था, इसके बारे में उसने क्या समझा। क्वेश्चन आपके सामने और आंसर भी आपके सामने होगा। कौन खेल रहा था? उस बिल्ली के साथ में एक लिटिल डोल, एक छोटा सा डोल खेल रहा था, ऐसा उसने सोचा था। What was it really? वास्तव में, really means वास्तव में यह क्या था? और आपको यह भी पता है वो क्या था? वो जॉल नहीं था, वो एक मैन था, टाइनिस्ट साइज का, और उसे बार-बार पूरे लेसन में एल्स नाम से संबोधित किया है। तो आंसर ये रहा हमारा, पैट्रिक थॉट, पैट्रिक ने सोचा दैट कि हिज कैट, उसकी बिल्ली वाज प्लेइंग, खेल रही थी विद के साथ अ लिटिल डॉल, एक छोटी सी डॉल के साथ। That is forward little doll क्या है? The man of the tiniest size, छोटे नन्हे से जो सबसे छोटे आकार में एक आदमी है, जिसे elf कहा है। Okay? Then second question, why did the little man grant Patrick a wish? Why means क्यों? उस छोटे आदमी ने grant दे दी Patrick को a wish, एक इच्छा। कहने का मतलब पैट्रिक से उसने क्यों वादा किया था या कौन सी प्रॉमिस उससे किया था कि बताइए। तो उसने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा यदि तुम मुझे किससे बचा लो, इस बिल्ली से बचा लो। द लिटिल मैन, उस छोटे आदमी ने ग्रांटेड दे दी पैट्रिक को अ विश, एक वादा। पैट्रिक को एक इच्छा पूरी करने का वादा दे दिया बिकॉज, क्योंकि पैट्रिक सेव्ड, बचाई थी The little man's man, यहाँ apostrophe है और ये s का की के, उस छोटे आदमी की life, जिंदगी from the cat, बिल्ली से उसने उस छोटे आदमी की life बचाई थी, इसीलिए उसने उसको एक wish दी। अब हमारा तीसरा question, एक बार आप इसका अपने notebook में लिख लीजिए, फिर हम हमने पहले दो प्रश्न करने के बाद में उनके आंसर्स करने के बाद में हम जो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश, कि पैट्रिक की इच्छा क्या थी। तो आप सभी को पता है पैट्रिक होमवर्क से नफरत करता था, होमवर्क करने से। सो उसने उस जैसे विश की बोली, मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा, उसने एल्फ से क्या कहा होगा कि मुझे तुझे मेरा 35 डेज तक, जब तक सेमेस्टर खत्म नहीं हो जाता, तुझे मेरा होमवर्क करना पड़ेगा। यह आंसर है पैट्रिक्स विश, अपोस्ट्रोफी एस, पैट्रिक की इच्छा वाज थी दैट कि ही, उसने किसने, पैट्रिक ने आस्क्ड मींस कहा, दी एल्फ से, उस छोटे व्यक्ति से, उस जादुई व्यक्ति से कहा, टू डू, करने के लिए, ऑल, पूरा हिज होमवर्क, उसका पूरा होमवर्क करने के लिए, फॉर 35 डेज, 35 दिनों तक, अंटिल, जब तक नहीं, The end of end means अंत, semester का जब तक अंत नहीं हो जाता, 35 days बाकी थे, तब तक मुझे मेरा homework करना होगा, ऐसा उसने कहा। Because क्योंकि he वह कौन, Patrick hated, नफरत करता था doing his homework, उसका homework करने से। तो आपको पता चली तो Patrick की wish क्या थी। Then question number 7, हमारा प्रश्न है, in what subjects, कौन से विषय में Did the little man, वह छोटा आदमी, did need मतलब चाहता था, help, मदद, to do, करने के लिए, Patrick's homework, Patrick का homework करने के लिए, वह कौन से subjects में Patrick की मदद चाहता था? तो the little man, कौन से subjects में, तुम्हें पता होता है, तो उसने dictionary मंगवाई थी, और dictionary मंगवाने का मतलब क्या है, कि शब्दों का meaning उसको नहीं आ रहा था, spelling उसको नहीं आ रही, it means English, और एक वर्ड आया था ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, वह नहीं जानता था, उसकी बुक्स भी उसने मंगवाई थी, और एक उसको जोड़ बाकी के सवाल नहीं आ रहे थे, इट मींस मैथमेटिक्स। तो द लिटिल मैन नीडेड हेल्प, उस छोटे आदमी को जरूरत थी
इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, हिस्ट्री इतिहास में एंड मैथमेटिक्स गणित में टू डू करने के लिए पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए उसे गणित मींस मैथमेटिक्स, हिस्ट्री इतिहास एंड इंग्लिश अंग्रेजी इनमें उसे पैट्रिक की मदद की जरूरत थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 5, उससे पहले आप इनको लिख लीजिए। चार क्वेश्चंस करने के बाद में हमारा जो पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे की, मतलब उस लिटिल मैन की, उस छोटे आदमी की, एल्फ की मदद कैसे की, कैसे की होगी? आपको पता हो तो उसने जैसे उसको कहा कि तुम मेरे पास बैठो, उसने कहा कि तुम मेरे लाइब्रेरी से बुक्स लेकर के आओ, उसने कहा वो उसके पास में बैठा हुआ देर रात तक जगता रहा, ओके इस प्रकार से उसने उसकी मदद की। आंसर देखिए, पैट्रिक हेल्प द लिटिल मैन, पैट्रिक ने मदद की लिटिल मैन की, सिटिंग बैठे हुए बिसाइड बगल में हिम उसके, वह उसके पास में बैठा रहता था, कौन? पैट्रिक, किसके? लिटिल मैन के। एंड स्टेइंग अप, जागा रहता था लेट नाइट, देर रात तक, टू गाइड, गाइड मतलब उसको परामर्श देने के लिए, उसकी मदद करने के लिए हिम उसके, वाइल जब डूइंग कर रहा होता था या करते हुए द होमवर्क, गृह कार्य, तो वो लिटिल मैन गृह कार्य कर रहा था, उसका होमवर्क कर रहा था, तो उस समय वो उसी के पास में बैठा रहता था। देन ही ब्रॉट बुक्स, ब्रॉट मींस लाता था, बुक्स मींस किताबें, फ्रॉम द लाइब्रेरी, वह उसके लिए लाइब्रेरी से किताबें भी लाता था, एंड रेड आउट देम टू हिम, रेड आउट का मतलब था जोर से पढ़ना, देम उन किताबों को, टू हिम उस छोटे आदमी के लिए, तो और उन छोटे आदमी के लिए उन किताबों को पढ़ता था। ये हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर रहा। देन सिक्स्थ क्वेश्चन, हु डू यू थिंक, तुम किसे सोचते हो डिड पैट्रिक्स होमवर्क, जिसने पैट्रिक का होमवर्क किया, द लिटिल मैन और पैट्रिक, मतलब आपके विचार में कौन? स्टूडेंट्स के विचार में, जो आप किताब पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, आपके विचार में पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, लिटिल मैन ने किया या फिर पैट्रिक ने किया? तो आपको पता है जब हम लास्ट लाइन पढ़ते हैं, हमारी जो ऑथर है केरल मुरे, वो कहती है कि पैट्रिक ने ही उसका होमवर्क किया। कैसे? कि देखो, लिटिल मैन को तो कुछ आता नहीं था, उसने कहा कि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मेरे लिए डिक्शनरी लाओ, कौन लेकर के आया, कौन लाया? पैट्रिक। उसने कहा मुझे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पता नहीं, मेरे लिए बुक्स लेकर के आओ, कहां से? लाइब्रेरी से। कौन लाया? पैट्रिक। और उनको पढ़ा किसने? पैट्रिक ने। उसको एडिशन, जोड़, सब्ट्रैक्शन, घटाव, डिविजन, फ्रैक्शन के सवाल नहीं आए, किसने बताए? पैट्रिक ने। इट मीन्स अगर हम सेंस की बात करें, समराइज करें कोरिलेशन को, तो पैट्रिक ने ही रियलिटी में उसका होमवर्क किया। इन रियलिटी, वास्तव में पैट्रिक हिमसेल्फ, स्वयं ने ही डिड किया हिज होमवर्क, उसने ही उसका होमवर्क किया। अब आप एक बार इन क्वेश्चंस और आंसर्स को भी लिख लीजिए। मेरे पास में एक बुक है, हमने क्वेश्चंस आंसर कर लिए हैं, उसके बाद में मेरे पास जो ये बुक है, इस बुक में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 7 क्वेश्चंस हैं, आपकी बुक में भी हैं, तो मैं इनके क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा, मैं आपको सिर्फ इनमें जो यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें कुछ वर्ड्स हैं, तो उनमें नंबरिंग डलवा देता हूँ। ध्यान देना, जो फिल इन द ब्लैंक्स में 7 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, तो इन सातों में कौन कौन से वर्ड आएंगे वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर वो आप अपनी जो बुक है उसमें फिलअप कर लें। तो पहले नंबर पे तो हमारा क्वेश्चन है, सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घरेलू, अब घर की कौन से काम को बोल पाते हैं, तो आपको मैंने बताया था एक वर्ड, चोस, चोस मीन्स रोजाना किया जाने वाला कार्य। देन सेकेंड जो है, Who stole the diamond is still a, किसने डायमंड को चुराया, हीरा को चुराया, यह अभी भी, अब अभी भी क्या है, डायमंड को चुराया, उसके किसी को पता नहीं, इट मींस यह एक रहस्य है, और रहस्य के लिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है मिस्ट्री, मिस्ट्री मींस रहस्य। देन थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, दिस वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन, तो दिस सेमेस्टर, सेमेस्टर एक वर्ड है, वो तीसरे नंबर में आ जाएगा। Then fourth number का question है, आगे खाली जगह है, the elf began to help Patrick, तो
जो एल्फ है उसने उसका कार्य करना शुरू कर दिया, वह अपने वादे का पक्का रहा। ट्रू टू हिज वर्ड इसका आंसर हो गया। और फिफ्थ नंबर जो है, इस फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में कैन यू एक ब्लैंक के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, वहां पर एक वर्ड है लुक अप। लुक अप का मतलब है खोजना। कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन दिस डिक्शनरी, मींस क्या तुम डिक्शनरी में यह वर्ड खोज सकते हो। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज, मैंने सुबह जल्दी घर से निकला था, चला था, फिर भी मेरे जो था मेरे भाग्य में आई वॉज, खाली देर वॉज अ ट्रैफिक जाम, मैं जल्दी निकला घर से फिर भी ट्रैफिक जाम में फंस गया। क्यों? क्योंकि मैं दुर्भाग्यशाली था। दुर्भाग्यशाली के लिए एक वर्ड आ रहा है आउट ऑफ लक। और सेवंथ नंबर का जो क्वेश्चन है, शी सेज शी हैज बॉट अ लॉट ऑफ बुक्स बट, इसमें अंतिम एक वर्ड बचा है बिटवीन यू एंड मी। तो आप जो सातों क्वेश्चन है जिनमें ब्लैंक्स है उनको भर दीजिए। ओके, पहले में चोस, सेकंड में मिस्ट्री, थर्ड में सेमेस्टर, फोर्थ में ट्रू टू हिज वर्ड्स, फिफ्थ में लुक अप, सिक्स्थ में आउट ऑफ लक, सेवंथ में बिटवीन यू एंड मी। देन नेक्स्ट पेज को, जैसे हम पेज को टर्न करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक पजल दे रखी है, रीडल बोलते हैं इसे। तो इसमें भरना है अपने को क्वेश्चन आंसर करने के बाद में और ब्लैंक्स को करने के बाद में। पेज नंबर 12 पर एक चार्ट है ये वाला, जिसे हम रीडल कहते हैं, पजल बोलते हैं, पहले बोलते हैं हिंदी में। इसे हमें इसी के वर्ड्स से इसमें भरना है। देखिए यहाँ पर अक्रोस, अक्रोस का मतलब होता है इधर से इधर बढ़ना है, तो डाउन का मतलब ऊपर से नीचे बढ़ना है। अक्रेस, अक्रोस में पहला वर्ड है पहले नंबर पर, पहला नंबर क्या है ये वाला, वेरी टाइर्ड, और बहुत थका हुआ, बहुत थके हुए के लिए वर्ड आया था इसमें अपने, वियरी, क्या आया था वियरी, W से मिल गया था। अब ऊपर से नीचे सातवें नंबर पर देखना है डाउन में, अ बास्केट विद अ लिड, एक ऐसी टोकरी जिसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ था, एक वर्ड आया था तुम्हें बताओ तो, हैम्पर, हैम्पर, ये हो गया। देन दूसरे नंबर का है अक्रॉस, दूसरे नंबर का हेड एंड एंग्री लुक ऑन द फेस, चेहरे पर एक गुस्से वाला भाव लाना। अब बताओ एक वर्ड आया था इस फोल्ड करके, एस से शुरू होना COW L E, scold, scold का मतलब होता है गुस्सा। then sixth number down, sixth number work that must be done every day, ऐसा कार्य जिसे हम रोजाना करते हैं उससे bore हो जाते हैं। CH आ रहा है, ऐसा कार्य होता है chores, क्या होता है chores। अब यहाँ पर एक word है short trousers, short trousers। ब्रीचेस, अब यहाँ एस आ गया और एस जो है आठवें नंबर पर डाउन में, गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, मतलब एक तीखी जो चीख देते हैं, चीखना है, श्रिक्ट एक वर्ड आया था SHRIEKED। देन अक्रोस से छठे नंबर वाला
a fault in a machine that prevents it from working properly. एक मशीन में एक ऐसी मिस्टेक आ जाती है, फॉल्ट हो जाती है, जो कि हमें काम करने से रोक देती है, उसे बोलते हैं ग्लिच. एक वर्ड आया था हमें बुक में, ग्लिच. ओके, देन अब हमारा एकमात्र बचा है फाइव नंबर है अक्रॉस में, अ स्मॉल एंड नॉटी बॉय फेरी. वर्ड नॉटी बॉय कौन था? एल्फ. एल्फ फिर ध्यान रखना, वियरिंग हैम्पर स्कॉल्ड चोस विच इज स्ट्रिक्ट ग्लिच एल. तो इस प्रकार से हमारा जो लेसन नंबर वन है उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हुए. और अब हमारा जो लेसन है इसके बाद में सेकंड, उस सेकंड लेसन से पहले एक पोईम है इसी लेसन के साथ में, वो हम कल डिस्कस करेंगे, कल स्टडी करेंगे. तब तक आप इन जो वीडियोस हैं, जो पहला लेसन हमने कंप्लीट किया अच्छे से, उसको और अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.